तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल जो पढ़ा था आपने में, अपने फिजिक्स वाले में, बीसीए के फिजिक्स में क्या टॉपिक था वो, हमने पहले केपलर्स लॉस जो थे वो केपलर्स के सारे लॉस पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, जो तीन हमारी इक्वेशंस हैं जो हमारे मोशन को डिफाइन करती हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो न्यूटन के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग लेकर के, और जो एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला ए इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने तीन इक्वेशंस से डराइव की थी, कैलकुलस मेथड से भी की थी और नॉर्मल जो फॉर्मूला से किया था वो भी हमने किया था, जो क्या दिखाती हैं कि उस बॉडी का जो पोजीशन होता है, मतलब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी में, एक्सेलरेशन होता है, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और कितना टाइम लिया इस प्रोसेस में, उनके बीच में रिलेशंस दिखाते थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज अपना एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स का, क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, ये एक्चुअली में एक कहते हैं नियम है फिजिक्स का, एक सिद्धांत है, जिसको किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। जो आइजैक न्यूटन है वैज्ञानिक, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी जो नींव उन्होंने रखी थी, उन्होंने ये लॉ दिया था। इसका लॉ का क्या कहता है, लॉ का मतलब है, ये कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं, मैं कह रहा हूँ ए और बी, उनमें कुछ मास है, सपोज इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक। मास आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन सब्सटेंस, कितना उसमें मैटर कितना कंटेन है, उसका मेजरमेंट को हम मास कहते हैं। अब ये देखिए, इसका है कि अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस, उनके वो उनका जो मास है, ए का m1 है और हमने मान लिया बी का m2 है मास, m1 m2 का आप कुछ वैल्यू रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे m1 का मतलब मान लीजिए कि 50 किलोग्राम्स है, M2 का मतलब हम कहते हैं कि मान लीजिए 70 किलोग्राम है, ऐसे इसका ये मतलब है, मास होने का मतलब कि उसमें कुछ मास है। फिलहाल हम इसको आर्बिट्रेरी ही रखते हैं, मतलब एक वेरिएबल ही रखते हैं कि M1 है उसका मास M2 है, और इनका जो सेंटर है, इनका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास के बीच में इनके, यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास की लाइन इधर है, इधर सेंटर ऑफ मास इधर लाइन पे है, तो ये जो दूरी है ये r है, सपोज ये r डिस्टेंस की दूरी है इनके बीच में, मतलब इनका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, उनके बीच में r डिस्टेंस की दूरी है। अगर ऐसे सेटअप कोई है, ऐसा कहीं भी कोई दो बॉडीज हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये नियम है कि ये पक्का है, श्योर है कि कोई भी दो बॉडीज हैं, कितनी भी दूर हों, चाहे अगर उनके बीच जो कुछ डिस्टेंस है, अगर उनका उनमें कुछ मास है, अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, अगर उनके बीच में मास है, उनके अंदर मास है, तो वो एक दूसरे को एक फोर्स से, एक अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। इसी प्रिंसिपल को ही कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को ये जो टर्म है, ये हमने यूज़ किया है कई बार, इसके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन डिटेल स्टडी हम इस क्लास में करेंगे इसको, कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम देखेंगे। तो ये लॉ है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, तो कोई भी उनके भी, अगर उनमें मास है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब इसमें जो फोर्स कितना लगेगा, जैसे हम फोर्स एक क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर हमने कहा कि फोर्स लगेगा, तो भाई उसको कुछ मेजरमेंट भी होना चाहिए कि कितना फोर्स लगेगा। तो ये जो लॉ है, इन्होंने सर न्यूटन ने ये कहा, सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा इसके बारे में, जब उनसे पूछा गया कि कितना और होगा, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये तो क्लियर नहीं कितना होगा, लेकिन ऐसा है कि जो फोर्स लग रहा है, एफ अगर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ए टू बी, ए से बी के बीच में अगर एफ फोर्स लग रहा है, एफ मैग्नीट्यूड का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मतलब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जिसको कहेंगे, वेक्टर होता है फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट से। मतलब कि उनका जो मास है, इसका 50, इसका 70 हम माने थे, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, उनका जो मास का जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, उस वैल्यू के, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना वैल्यू, जिस रेशियो में ये वैल्यू बढ़ेगी, उसी रेशियो में ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसको हम 4 गुना बढ़ा देंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली 4 गुना बढ़ जाएगी। इसको हम 20 गुना कर देंगे, ये भी 20 गुना हो जाएगी। इसको हम आधा कर देंगे, ये क्वांटिटी भी आधा हो जाएगी। तो क्या कहा कि जो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या कहा गया, दूसरा उन्होंने क्या बताया कि एक और प्रॉपर्टी है भाई उस फोर्स की। क्या प्रॉपर्टी है सर,
प्रॉपर्टी वो एक ये है कि मास के प्रोडक्ट पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के प्रोडक्ट से, और जो उसका रेडियस का है, जो बीच में उनके डिस्टेंस है आर, रेडियस ने जो डिस्टेंस है, जैसे हमने कहा ना कि उनके बीच में डिस्टेंस आर है, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी उसी रेशियो में बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, ये क्वांटिटी जो आर स्क्वायर है, ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, जितने रेशियो में क्वांटिटी बढ़ेगी उतने में ही ये रेशियो में क्वांटिटी कम होगी। समझ में आया मतलब का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली का मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि जब कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका मतलब कि अगर ये आर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, और अगर ये घटेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। क्यों? सिंपल समझ में आ रहा है कि वन अपॉन आर स्क्वायर है, तो अगर हम आर स्क्वायर को बड़ा करेंगे तो जो डिवीजन होगा उसका क्वेश्चन छोटा होता जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं 5/10, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 5/10 है तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू 0.5 आएगा। अगर हम ये 10 को बढ़ा देते हैं 5/100 कर देते हैं 10 की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगी 0.05, छोटा हो गया ना वैल्यू, ये वैल्यू इससे छोटी है। तो क्या होता है कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। उसी हिसाब से चूंकि एफ ए बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यूमिनेटर में है आप कह सकते हैं, तो ओवरऑल मतलब जो ये आर स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है और ये पूरे फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो जैसे हम आर स्क्वायर को बढ़ाएंगे ये फ्रैक्शन 1/r² कम होता जाएगा, तो अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होता जाएगा। तो आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, और अगर आर स्क्वायर कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो क्या कहा उन्होंने, इसको दो इक्वेशन हम मान लेते हैं, ये पहला हमारा रिलेशन है और ये दूसरा रिलेशन है, कि अगर उनका जो मास है, मास का प्रोडक्ट जो है अगर वो बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और मास का अगर इनका रेडियस का स्क्वायर का 1/r² अगर ये जो रेडियस का स्क्वायर है अगर ये बढ़ेगा तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो घटेगा, अगर ये आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड घटेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। मतलब इसका ये उल्टा चल रहा है, इसमें बराबर चल रहा है। तो अब इन दोनों को ही कंबाइन करके हम जो फाइनल अपना एक इक्वेशन और बनाते हैं फाइनल। देखिए क्या कह रहा है कि इससे ये जो फोर्स है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले रिलेशन में, और दूसरे रिलेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो फोर्स है ए टू बी उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल किसके है, एम वन एम टू के प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है ना। क्या बता रहा है क्वांटिटी, अभी भी क्या बता रहा है कि अगर आप M1 M2 को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, R स्क्वायर को आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो ये दोनों को मिला के ये बना दिया गया तीसरा इक्वेशन ये। और दूसरा बात जो कहा गया वो क्या कहा गया, जो तीसरी बात कहेंगे हम यहाँ पे, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल गया है, मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड के बारे में ये बातें कहेगी कि जो मास का प्रोडक्ट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस का जो स्क्वायर है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन का भी सेंस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्शन वाले के लिए ये कहा गया कि इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब टुवर्ड्स होता है एक दूसरे के पास तरफ। तो क्या कहेंगे हम कि ये जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड है एफ ए बी, ये इसका मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव है इन्वर्सली, ये M1 M2 के अपॉन R स्क्वायर के नेगेटिव है। मतलब क्या है कि ये फोर्स, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये हम हटा देंगे, बेहतर होगा इक्वेशन को हम फिर से लिख लें, यहाँ पर हम ये हटाएंगे, ये मॉड नहीं, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अब पूरा फोर्स को हम एज अ वेक्टर लेंगे कि ये M1 M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब ये देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे मतलब डिपेंडेंस दिखाई गई है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक क्या सिस्टम होता है, ये हम कहेंगे अगर कि जो क्वांटिटी वाई है अगर ये प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई भी बढ़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स सम कांस्टेंट k टाइम्स x।
कि यहाँ पे दिखा क्या दिखा रहा है कि कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू है। इसका मतलब देखिए आप, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि अगर हमने कहा वाई इक्वल्स टू एक्स, अब आप अगर एक्स को मान लीजिए 4 बना दीजिए तो वाई क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा, और वही एक्स को अगर आप 16 बना दीजिए 4 से तो वाई क्या हो जाएगा 32। अब देखिए जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है ये 4 टाइम्स हुआ तो वाई भी 4 टाइम्स हो गया। ये एक कांस्टेंट वैल्यू बनी है जिसकी इक्वालिटी हम लगा सकते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है उसे हटा करके जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है उसे हटा करके अगर एक कांस्टेंट रख दें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी कि मतलब एक के टाइम्स इसके इक्वल है। तो यहाँ पे सेम किया गया कि चूंकि ये प्रोपोर्शनल है फोर्स जो है ये इस प्रोडक्ट के जो m1 m2 का जो प्रोडक्ट है और r स्क्वायर का जो वो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसा रखा जा सकता है, कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कैसे, इस तरह से कि एफ ए बी जो है ये इक्वल टू है सम कांस्टेंट के है, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही भाई, सम कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट वैल्यू है के और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इसके बराबर है। यही आपका मेन जो लॉ है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो है, ये देखिए ग्रेविटेशन का लॉ जो है वो ये है एक्चुअली में ये चीज़ कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं अगर उनमें मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और r स्क्वायर जो डिस्टेंस है उनके बीच में जो उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है। और जो एक्चुअल में फिर हम उसको जो यूज़ करके जो हमने मैथमेटिकल टर्म बनाया जो मैथमेटिकल उसका डेरिवेशन कहेंगे ये हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाया कि उसको मैथमेटिक्स में ऐसे हम लिखेंगे कि जो फोर्स है वो माइनस के टाइम्स एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये था हमारा वैल्यू। अब एक और इसमें बात आती है जो हमने कहा था कि माइनस है मतलब निगेटिव डायरेक्शन है, उसके मतलब एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा। एक चीज़ और है आपके जो यहाँ में हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा, फिर क्या किया गया कि ये तो हमारा ग्रेविटेशन का हो गया, फिर निकाला जाने लगा कि भाई इस के का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या हुआ कि इस के का मैग्नीट्यूड है कि के की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में के क्या है उसका वैल्यू कुछ निकालना चाहिए ना कि कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास वहाँ पे हमने 2 लिख दिया था, यहाँ पे उस के का मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि ऐसे एक अब मैं एक्सपेरिमेंट का आपको थोड़ा सेटअप दिखाता हूँ कि एक स्ट्रिंग से एक वायर से ऐसे एक मतलब रॉड में दो स्फेयर्स को स्फेरिकल चार्जेस ये ऐसे स्फेयर्स थे मेटालिक स्फेयर्स उनको ऐसे अटैच कर दिया गया। उसमें बहुत प्रिसाइज बहुत कैलकुलेटेड बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट था, ऐसे लगा दिया गया और फिर इसको एक ग्लास के जार के सेटअप में ऐसे रख दिया गया कि मतलब ये वैक्यूमाइज हो जाए, इसमें एयर का कोई रोल ना रहे, इसमें एयर का ट्रैक मतलब एयर का डिस्टर्बेंस ना रहे और बाहर से कोई हवा आके या कोई और डिस्टर्बेंस इसको डिस्टर्ब ना कर पाए। और एक दूसरा स्फेयर ऐसे यहाँ पे रखा गया पास में और उससे मतलब मेन उसका क्या करना था कि जब स्फेयर को पास में लाया गया तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से ये स्फेयर इधर को टर्न हुआ है ना। जैसे अगर आप इसको हैंग कर दें, सपोज ये मैग्नेट है, मैं एक मिनट के लिए आपको मनवा तो क्या मानिए मैग्नेट है, इधर भी मैग्नेट लगा इधर मैग्नेट, तो जैसे ही मैं इधर कोई आयरन का या मैग्नेटिक कोई पीस लाऊंगा ये तुरंत टर्न होगा उसकी तरफ जाने के लिए, है ना, ये तुरंत उसकी तरफ जाने के लिए टर्न होगा। तो उसी तरह चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो ये स्फीयर इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, सिंपल सी बात है, स्फीयर जो होगा इस स्फीयर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। और अट्रैक्टेड जब होगा, जब स्फीयर को अट्रैक्शन होगा वहाँ पे, तो वहाँ से उससे हमारे पास क्या निकल के आएगा कि कुछ एंगल उसमें निकलेगा, मतलब कुछ एंगल पे वो अट्रैक्ट होगा, है ना, क्या होगा कि कुछ एंगल पे कुछ डिग्री पे वो अट्रैक्ट होगा, मतलब ये जो ये वायर है ये ऐसे रोटेट होगा, ये जो रॉड है ऐसे रोटेट होगा तो वायर में कुछ स्ट्रेन आएगा, कुछ इसमें ऐठन जिसको कहते हैं हम कि उसमें कुछ ट्विस्ट आएगा, फिर उस ट्विस्ट को और उस एंगल को और फिर वायर की प्रॉपर्टीज़ को देख करके कि मतलब वायर का जो यंग्स मॉडुलस कहेंगे या जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये सब वैल्यूज़ होती हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे जिनके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं उसमें इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में। तो इसीलिए अभी इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी वो टर्म्स शायद नहीं पता हैं। तो इसकी वजह से पहले हम ये टर्म्स को देख रहे हैं कि सिंपल क्या किया गया कि यहाँ पे जब उस स्फेयर को रखा गया तो वो दोनों स्फेयर्स यहाँ पे अट्रैक्टेड हुए, किस टाइप में, इस स्फेयर के डायरेक्शन में अट्रैक्टेड हुए और अट्रैक्टेड होने पे ये ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ये ऐसे, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ,
यहाँ से डॉटेड लाइन है हमारे पास, ये देखिए, तो ये कुछ लाइन ये कुछ ऐसे बन गई, नहीं इसका ये लाइन कुछ हमारी ऐसे बन गई है, और स्फीयर्स क्या हुए यहाँ से, फिर देखिए ये स्फीयर हटा देता हूँ मैं, और ये जो स्फीयर्स थे वो यहाँ से ऐसे यहाँ आ गए, यहाँ से है हमारे पास ये स्फीयर्स ऐसे आ गए यहाँ पे, तो कुछ एंगल ये कुछ डिग्री पर, थीटा डिग्री पे मान लीजिए, थीटा एंगल पे ये टिल्ट हुआ, वायर ऐठा थोड़ा सा, उसके वजह जो इसमें ट्विस्ट आया उससे लेकर के सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया। यहाँ पे सस्पेंडेड है, याद रखिए यहाँ पे सस्पेंडेड है, यहाँ पे ये रिजिड बॉडी है, मतलब जो वॉल है आप कह सकते हैं, जो छत है उससे या एक ऊपर सपोर्ट से अटैच है, यहाँ पे पूरा हैंगिंग सिस्टम है, ये पूरा झूल रहा है उसी पे इसी वायर के थ्रू। तो जब हम यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर लाते हैं तो टर्न हुआ हल्का सा, और ऐसे कुछ एंगल पे टर्न हो गया, टिल्ट हो गया थोड़ा सा, टिल्ट नहीं कहेंगे हम, टर्न ही कहेंगे, कि थोड़ा रोटेट हो गया, और एक थीटा डिग्री पे मान लीजिए रोटेट हुआ। तो फिर वहां से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको निकाल करके, जो फिर वहां से फिर ये वैल्यू रखा गया वहां पे, कि अगर भाई ऐसे फोर्स लग रहा है तो निकाला गया कि फोर्स एक्चुअली में लग कितना रहा है, और फिर एम वन एम टू आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकाला गया, ये सब वैल्यूज को रखे, जो के की वैल्यू वहां से आई, उस के की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, के इक्वल्स 6.67 इंटू 10^-11, और इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आपको वहाँ से निकालना है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा फोर्स है, मतलब इस पूरे क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, इस पूरे क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, क्योंकि न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स का यूनिट है। अब देखिए इसका क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है M1 M2, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है R स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट क्या होगा, R क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका मीटर होगा, तो क्या होगा इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि M1 M2 का यूनिट क्या हो जाएगा, M1 M2 का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए के है यहाँ पे, के की भी कोई यूनिट होगी, और किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये आया यहाँ पे, तो के की जो यूनिट थी उसको रखने पर क्या हमारे पास आया, टोटल वैल्यू एन आया, ये के मतलब हम के की यूनिट लिख रखे हैं यहाँ पे, कि के की जो यूनिट है उसको हमने रख दिया, और उसको फिर बगल में किलोग्राम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर किया तो न्यूटन आया। अब यहाँ से आप सीधा के को निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके, के इक्वल्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर माइनस टू, ये वैल्यू आई के की, मतलब ये जो यूनिट आई वो के की ये यूनिट आई, ठीक है, तो के क्या है, के की ये यूनिट आई हमारे पास, तो इसकी क्या वैल्यू बनी टोटल हमारे पास, जो फाइनल वैल्यू आई वो ये आई कुछ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस, किलोग्राम की पावर माइनस टू, मतलब पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, ये किलोग्राम की यूनिट आई हमारी, हमारी के की वैल्यू आई, और इस के को क्या कहा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है कि प्लैनेट की, वहाँ पे प्लैनेट्स के लिए है या बॉल्स के लिए है या कार्स के लिए है, यहाँ पे सीधा लिखा गया कि दो बॉडीज हैं इनका मास M1 M2 है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये एक जनरल कहा गया, एक यूनिवर्सल लॉ इसे कहा जाता है, ये यूनिवर्स में किसी भी बॉडी, किसी भी दो बॉडीज के आप बीच में ले लीजिए, उनके बीच में लॉ अप्लाई होगा। और चूंकि ये जो के वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है हमेशा, के वैल्यू जो है, जो वैल्यू के की है ये हमेशा कांस्टेंट है, इसके वजह से इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि आप किसी भी दो बॉडीज के लिए लेंगे वो के की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो इसका नाम एक दूसरा, इसको के की जगह पे क्या इसका टर्म दिया गया, जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम पावर माइनस टू, ये थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम पूरा ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि अगर दो बॉडीज हैं एफ ए बी, ए और बॉडीज हैं, या सिंपल अगर इसको एफ ए बी की जगह पे मैं क्या लिखूँ, सीधा फोर्स जो है उनकी बॉडी, बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स वो क्या है, माइनस जी, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर,
ये है उस फोर्स का टोटल मैग्नीट्यूड, ये है। और डायरेक्शन के लिए जो जो होगा, याद रखिए डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर आर। लास्ट में कि किस डायरेक्शन में है ये जो आर है, ये भी क्या है, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। याद रखिए सेंट्रल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स कि जिसका जो डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरह में होता है, उनके जो सेंटर जोड़ती है, जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन करती है, उसी के अलॉन्ग होता है फोर्स का डायरेक्शन। तो ये आर वेक्टर क्या दिखा रहा है, आर का यूनिट वेक्टर आर क्या दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन है उसकी, क्योंकि ये पूरे ये इतनी स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, ये यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को दिखा रहा है, वेक्टर नोटेशन दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जो लाइन है इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी। मैं यहाँ पे वो लाइन बनाता हूँ, इससे ये जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेगी, ये इसके अलॉन्ग जो फोर्स है वो इसके अलॉन्ग लगेगा, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा इसी के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग जो आर ज्वाइन डिस्टेंस जो है, आर जो है उसको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलॉन्ग। तो यूनिट वेक्टर आर ये वही दिखा रहा है, और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म हमारे पास आता है, जो दूसरा टर्म हम कहेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक है, दूसरा आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। अगला टर्म जो हमारे पास है वो ये है हमारे पास, ये सरकाएंगे इसे ऊपर करेंगे फिलहाल, ये टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसीसी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे क्या मतलब है इसका, क्या चीज है कि ग्रेविटी जो है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटी जो है, यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है जो हम दिखाएंगे कि हमने जैसे कहा था ना, ये आपको याद होगा कि केपलर्स लॉ वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, केपलर लॉ का, तो उसमें हमने ये शेप बनाया था ऐसे कि नहीं ऐसे ऐसे कि एलिप्स रहेंगी, ऐसे एलिप्स है, एलिप्टिकल शेप रहता है, और सन एक फोसाई पे, एक फोकस में रहता है किसी पे, ये सन है हमारा, ठीक है ऐसे, और जो प्लैनेट होता है वो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है, ऑर्बिट कर रहा है सन को, और इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि एक सेंट्रल फोर्स था, हमने कहा था ये वही फोर्स है जो फोर्स इनको रोटेट करा रहा है, इस फोर्स को जो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स का काम कर रहा है वो क्या है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से रहेगा, ये क्या ओपन हो जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ से निकालेंगे। ये M1 जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा M1 बताइए जरा, M1 रहेगा मास ऑफ सन, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे दोनों दो बॉडीज हैं, कौन कौन से, एक सन है, एक प्लैनेट हमारा मान लीजिए प्लैनेट अर्थ है, तो पहला रहेगा मास ऑफ सन, और M2 क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ, और R क्या रहेगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है R, ये होगी R, ये जो डिस्टेंस है ये R होगी। ये जो हमने बताया था, ये इसीलिए बताया था कि ये हम आगे सेंट्रल फोर्स जब ग्रेविटेशनल बनेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे ये सेंट्रल फोर्स कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रल फोर्स का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसे इरेज करूँगा पूरा, और यहाँ पे फिर हम चलेंगे अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब वेलोसिटी किसी की चेंज होती है तो जो रेट होता है चेंज के वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन होता है। जब वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, मतलब जब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स जब एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सीधा मतलब समझ में आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इस लेंगे स्मॉल जी। ये देखिए क्वेश्चन भी आता है वाइवा में, एग्जाम में पूछा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये। और अभी मैंने बताया, अभी आपको थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कैपिटल जी क्या बताता है यहाँ पे, ये जो कैपिटल जी है ये क्या दिखाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दिखाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻¹¹। ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ये जो जी है स्मॉल जी, ये क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हर प्लैनेट के लिए अलग होता है, प्लैनेट पे भी अलग अलग डिस्टेंस जाने पे इसकी वैल्यू चेंज हुआ करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ पे जब ये ग्रेविटी की बात हम करते हैं अर्थ के लिए, और अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू, ये देखिए ये सरफेस पे वैल्यू होती है, यहाँ पे जो ये हमेशा कॉन्स्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है अर्थ पे, इसकी वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल्स 9.8, ये अर्थ के सरफेस पे होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट भी देखिए बहुत ही अलग है, इसी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी 9.8 इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सा एक एक्सेलरेशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी सरफेस पे वैल्यू होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस कैपिटल जी स्मॉल जी में, ये एक्सेल ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि एक ये उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जो हमने यूज किया था, और ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली में होता क्या है, हा? ये हम देखेंगे, इसको हम बेटर होगा अगली स्लाइड पे देखें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने बताया कि जब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो जब ग्रेविटी की वजह से, मतलब जब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब उसकी वजह से वो एक्सेलरेशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बारे में देखते हैं, देखिए हमको पता है जो हमारा सेकेंड लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या बताया गया था कि जो फोर्स होता है किसी बॉडी पर, जो फोर्स होता है वो कैसे क्या होता है, यहाँ पे एम फोर्स जो होता है वो क्या आया था हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आया था ना। फिलहाल हम वेक्टर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वेक्टर में लगाएंगे तो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बिना वेक्टर के रखते हैं, खाली मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये होता है ना, कि अगर क्या कहा था जो सेकेंड लॉ ने, ज़रा दोहराइए मेरे साथ, क्या था सेकेंड लॉ ने, कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो क्या था हमारा एक्सप्रेशन, ये एफ इक्वल्स एम बाई ए, ठीक है, और एफ इक्वल्स एम इनटू ए। तो ये जो हमारी पास वैल्यू आई थी एफ इक्वल्स एम इनटू ए, यहाँ पे जब हम एम हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और अगर हम बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये एक छोटा सा बॉल है, एक छोटी सी बॉल है, ठीक, और ये जो छोटी सी बॉल है इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, इसके सेंटर की डिस्टेंस जो है ये अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, ये बॉल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, ये देखिए ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका। अब इसके बीच में देखिए यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इससे, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे हम, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आर ई, क्या बोलेंगे इस डिस्टेंस को, आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये आर ई है, समझ में आ रहा है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जो ये सरफेस तक का दिखा रहे हैं, और जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पे, जो दूसरा एक कहेंगे हम, ये चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहेंगे हम, इसको मैं लिखूँगा h, मतलब ये जो हाइट है, मतलब ये बॉल है जो उसकी हाइट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो h हाइट पे है, और अर्थ का रेडियस हमें r ही है, ये हमारा डायग्राम देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। अब हम कहेंगे कि इस बॉडी पर ये जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लगेगा, जब कहेंगे बॉडी मान लीजिए जो बॉल है हमने उसको, बॉल को देखते हैं ना, बॉल को अगर हम ये इसको ऐसे ऊपर फेंकते हैं, इस हमने मार्कर को ऊपर फेंका, कुछ देर बाद फिर ये नीचे आने लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब तक तो फोर्स फेंकते हैं, अपना फोर्स लगाए थे हम जब, तो इस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हम दे देते हैं, धीरे धीरे जाके उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है, ये जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ एक्चुअली में उसको खींच रही है, उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है, इसकी वजह से वो नीचे आने लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे
जो एफ है एक्चुअली में, और ये जो एफ है वो एक्चुअली में क्या है, ये है एफ जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली में। और एफ जी जो है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ना मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एम वन क्या है, एम वन तो भैया मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी क्या है इसमें, अर्थ। हम मान रहे हैं कि पहली बॉडी अर्थ है, और दूसरा जो एम टू है वो एम टू क्या है, उसको हम एम केवल लिख सकते हैं, ये इस बॉल का मास। देखिए हमने एम वन को क्या लिख दिया, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, और जो एम टू है वो मास ऑफ बॉल यानी एम केवल लिख दिया हमने, और अपॉन, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पे ये एम वन है और एम टू क्या है, यहाँ पे मास ऑफ बॉल एम, एम टू को हमने सीधा लिख दिया एम, जो बॉल का मास है, ये जो बॉल का ही मास है एम, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच मतलब कितना हाइट है उसका बॉल का, अर्थ के रेडियस की, अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर, ये पूरा आर का वैल्यू हमारे रेडियस के वैल्यू, जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ए, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पूरी, ये हमारा पूरा आर है। अब ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखें, ये देखिए ऐसे, तो अगर हम इस वैल्यू को अगर यूज करें, यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करें, सिंस हमें पता है कि एफ इक्वल्स, ये एफ इक्वल्स माइनस माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स माइनस ऑफ जी एम ई, क्योंकि एम वन बराबर एम ई हमने, एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये पता है हमें कि ये जो फोर्स है हमारा, सेकेंड लॉ से हमारे पास क्या है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। ये क्लियर है ना पॉइंट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन हो रहा है एक्चुअली में वो किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की ही वजह से तो हो रहा है, नॉर्मल कोई वैसा तो फोर्स लग नहीं रहा है। जैसे हमने कहा था एग्जाम्पल जो हम लेते थे कि एक धागे में एक बॉल को बांध के से रोटेट कराया जा रहा है, वहाँ पे फोर्स किस वजह से लग रहा था, फोर्स का कौन लगा रहा था, फोर्स वहाँ पे हमारा हाथ लगा रहा था और उस धागे के थ्रू लग रहा था। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी ही लग रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल लग रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा वो किस वजह से होगा, ग्रेविटी की ही वजह से होगा। तो यहाँ पे इस केस में जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे सारी वैल्यूज को, इस केस में जो ए होगा वो इक्वल्स जी है, मतलब जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये समझ में आया, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमें कि मतलब जो ए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी रख सकते हैं कि नहीं, एम इंटू जी, जी की जगह जी क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए की जगह पे हमने जी रख दिया, इक्वल्स माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है, आर ई प्लस एच, ये देखिए रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये टोटल उसकी डिस्टेंस हो गई। क्या है डिस्टेंस, याद रखिए ये जो आर हम कहते हैं एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर क्या है, उन दोनों के सेंटर ऑफ मास जो है उनके बीच में डिस्टेंस है, सरफेस से नहीं लेंगे डिस्टेंस, हम डिस्टेंस किस लेंगे, सेंटर से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से। और चूंकि स्फेरिकल बॉडी में हम पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उस स्फेयर के सेंटर पे होता है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से हमने ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास से यहाँ से अगर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो आर ई प्लस एच होगा पूरा। अब यहाँ देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं इक्वेशन के, अगर इधर उधर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम क्वांटिटीज़ है तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम ये हमारे पास रिलेशन आ गए, बहुत ही क्लियर मजेदार एकदम से रिलेशन है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। अब देखिए हमने जो अभी यहाँ पे लिखा था पिछले स्लाइड में था वो, हाँ जी यहाँ पे लिखा था हमने कि जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ था, ये कहाँ है, ये एट सरफेस ऑफ अर्थ,
ये अर्थ के सरफेस की बात हो रही है भैया, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सरफेस पे, या आप कह सकते हैं सरफेस के बहुत आसपास में। अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर के आसपास है, 64,000 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे जो रेडियस है अर्थ का, उसके कंपैरिजन में अगर वो जो हाइट है वो बहुत कम है, बहुत छोटी है हाइट, तो उसके कंपैरिजन में एच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। वहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि एट सरफेस ऑफ अर्थ या वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उस कंडीशन में जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो उस अगर वो कंडीशन आएगी, ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्ट इन हो, हमारे पास हो गया कि जी इक्वल्स माइनस जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक हाइट एच पे, एच हाइट पे इतना आएगा। तो यहाँ पे एक और बनाएंगे हम स्लाइड, इसमें लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं अब, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर यही हमें निकालना है, सरफेस ऑफ अर्थ क्या रहेगा ये चीज, एच इक्वल्स जीरो, क्योंकि यहां देखिए यहां पे जो हमने बनाया है इसको, ये जो डायग्राम बना है यहाँ पे, अगर इसको हम बॉल को सरफेस में मानते हैं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बॉल यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगी, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, एच इक्वल जीरो, तो उस कंडीशन में हमारा जी क्या बन के आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट जी क्या होगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, ये हमारी जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे है। ये वैल्यू कहाँ पे दी गई है, अर्थ के सरफेस पर दी गई है, हमारी जो वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक, और इसी के वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे और मास ऑफ अर्थ जो वैल्यूज इसकी हैं, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, अगर उनको हम रखते हैं, क्या है इनकी वैल्यूज, हम देखते हैं यहाँ से कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है और मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पे तो फिलहाल दिया नहीं है इसमें, मास ऑफ अर्थ, एक मिनट, रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रेडियस है हमारा और जो हमारे अर्थ का मास है, अगर उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ रहा है 6378, यानी लगभग क्या आ रहा है, आर ई की वैल्यू लगभग क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे 6400 किलोमीटर्स, ठीक है 6400 किलोमीटर्स। और जो मास ऑफ अर्थ है, मास का देखते हैं कितना है, मास ऑफ अर्थ कितनी है, 6 × 10^24 के जी, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 5.972 करके उसको हम 6 लेंगे यहाँ पे, × 10^24 किलोग्राम्स, इतना है मास ऑफ अर्थ जो है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये एक्चुअल वैल्यूज किसी ने, याद रखिएगा, ये वैल्यू किसी ने तौली नहीं है अर्थ को, कि तराजू पे लेके तौला गया है, जो कि आप सिंपल समझ सकते हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अर्थ को किसी बैलेंस पे लटका के तौलना ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई भी नहीं कर रहा, बेवकूफ़ी कहा जाएगा इसे। तो इसको तौला नहीं गया है एक्चुअली में, ये जो वैल्यू है अर्थ के रेडियस की, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, कैसे होता है वो आप आगे पढ़ सकते हैं अपना। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखने पर हमारा जो यहाँ पे, जब अगर वैल्यू को रखेंगे, जी की वैल्यू हमें पता ही है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10^-11 आगे न्यूटन, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इन वैल्यूज को यहाँ पर रखें, ये किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 6400 × 1000, ठीक, बराबर क्या बन के आएगा 6.4 × 10^6 क्या बन के आएगा हमारे यहाँ से, यहाँ से देखिए × 1000 × 10^6 मीटर, 6.4 × 10^6 meters, ये वैल्यू हमारी आई रेडियस ऑफ अर्थ। और इन वैल्यूज को यहाँ पे रखने पर हमारा क्या आएगा, टोटल जी की वैल्यू जो होगी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आएगी, 9.8 m/s², ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ हमने निकाला। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमें ये जो हमने h की वैल्यू अभी जीरो ले ली है, अगर h की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लेते हैं कि h अगर हाइट इतनी है या अगर गहराई में है, मतलब एट द सर्फेस, अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, वहां पे अगर हम g की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, क्या आएगा, उसके लिए हम फार्मूला उसके लिए भी डेराइव करेंगे। और फिर आगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है कि ग्रेविटेशन जो अर्थ की वजह से पोटेंशियल होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी प्लैनेट की वजह से, किसी भी मास की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आवर स्फेरिकल बॉडी एट एनी पॉइंट, ये हम देखेंगे। और उसके बाद में फिर अर्थ के ही कॉन्टेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी का, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से, मतलब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, इतनी स्पीड होती है कि अगर उस स्पीड से अर्थ से बाहर फेंक दिया जाए, अगर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आएगी, ऊपर ही चली जाएगी, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको निकल छोड़ करके बाहर चली जाएगी। क्या मतलब कि जैसे हम अगर एक पत्थर को फेंकते हैं, एक पत्थर कस के फेंकते हैं, एक बॉल को कस के उछालते हैं, फिर कुछ देर बाद वापस आ जाता है, एक इसको हम उछालते हैं कुछ देर बाद ही वापस आ जाएगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, अगर उस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं तो वापस कभी नहीं आएगा, वो बाहरी अर्थ के बाहर चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। वो क्या वैल्यू होती है, कैसे उसको डेराइव करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर अगली क्लास में हम पूरा इस ग्रेविटेशन के चैप्टर को रैप अप करेंगे और पूरा आगे फिर चलेंगे। धन्यवाद।